हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सतेंद्र यादव और इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस इत्यादि एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से आप किसी न किसी क्ल्यू से, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम भारतीय महापुरुष एवं उनकी समाधि स्थल का नाम याद कराने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी पूरे भारत पर राज किए थे। जहाँ कहीं भी आंदोलन हो रहा था तो उनको बुलाया जा रहा था, तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी संवाद किए। कितने बातों पे अंग्रेजों को दबाए, यानी वहाँ पे भी राज किए। अतः महात्मा गांधी के समाधि स्थल को हम राजघाट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजघाट। किसी न किसी क्ल्यू से आपको याद करना है, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट। अब देखिए, नेहरू जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू, ये प्रथम प्रधानमंत्री रहे हमारे भारत के, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो ये जब थे तो वहाँ पे हम लोग के साथ 1962 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, तो चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे हम लोग के पास, अभी आज़ादी आई थी, अंग्रेज छोड़ के गए थे, तो हम लोग के पास उतने हथियार भी नहीं थे जितने कि आज हैं। तो उस टाइम पे ये शांति वार्ता के लिए ज़्यादा काम करते थे, तो इनकी समाधि स्थल को शांति वन कहा गया। क्या कहा गया? शांति वन। तो नेहरू जी की समाधि स्थल को शांति वन कहा गया। आगे हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली महिला थी। जब इनके शासन में युद्ध हुआ बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से, तो इन्होंने अपनी शक्ति दिखाया और पाकिस्तान को वहाँ पे बहुत से तरकीब लगा करके, अपना हथियार, अपना सेना भेज करके पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को मुक्त किया। तो इनके पास ज़्यादा शक्ति लगाने की क्षमता थी, यानी इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। अब देखिए, आगे हम बात करने वाले हैं इनके समाधि स्थल के बारे में, राजीव गांधी के। तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो राजीव गांधी जो थे, ये प्लेन में दुर्घटना में मारे गए थे, यानी प्लेन दुर्घटना में राजीव गांधी को मारा गया था। जब राजीव प्लेन दुर्घटना में मारा गया था तो इनको एक वीर के भांति मरने को मौका, लड़ाई के साथ, मतलब मान लो कि अगर हमारी सेना लड़ रही है तो मान लो प्लेन पे ही अटैक कर दिया जाए, तो ये एक वीर की भांति मरे थे। तो इनको कहा जाता है, इनकी समाधि स्थल को हम कहते हैं वीर भूमि। क्या कहते हैं? वीर भूमि। तो ये राजीव गांधी की समाधि स्थल हो गई, इंदिरा गांधी का भी बता दिए। अब आगे हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की। तो चौधरी चरण सिंह किसानों के हित में काम करते थे, किसान, सबसे ज़्यादा किसानों के लिए उन्होंने ही सोचा था। तो इनकी समाधि स्थल का नाम रखा गया किसान घाट। क्या रखा गया? किसान घाट। आगे देखते हैं मुरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा गया? तो मुरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा गया, आपको हम बताते हैं। देखिए, सारे लोगों को कुछ ना कुछ क्ल्यू से याद करेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम्स में जाने के बाद भूल जाते हैं। तो मुरारजी देसाई सबसे अधिक बार बिल पेश किए हैं, कौन सा? बजट। और ये पैसा लेकर के, मतलब बजट पेश करते हैं तो पैसा लेकर के आते हैं, मान लो थैले में, या पैसे का बजट लेकर के आते हैं कागज़ पे, तो ये डरते नहीं हैं। तो इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? अभय घाट। इनके समाधि स्थल को कहेंगे अभय घाट, क्योंकि ये डर नहीं रहे हैं, दस बार से अधिक बजट पेश कर चुके हैं। चलिए, आगे हम बात करेंगे जगजीवन राम। इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो इनकी समाधि स्थल जग में जीवन, मतलब समान रहो, समान जीवन,
जग में जियो, कैसे जियोगे जग में, जब समान व्यवहार करोगे, समान रहोगे तब जियोगे। नहीं, ये नहीं कि आज पैसे है तो खर्चा ज़्यादा कर दो और कल नहीं है तो बैठ के भीख मांगो। तो जग में जीने के लिए समान रहना पड़ेगा। तो इनकी समाधि स्थल क्या कहा गया? समता स्थल। जगजीवन राम के समाधि स्थल क्या कहा गया? समता स्थल। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। आगे हम बात करें गुलजारीलाल नंदा की। गुलजारीलाल नंदा की समाधि स्थल को क्या कहा गया? तो गुलजारीलाल नंदा की समाधि स्थल को नारायण घाट कहा गया। देखिए इनका नाम थोड़ा लंबा है, गुलजारीलाल नंदा, तो इनका नाम भी लंबा ही होगा, नारायण घाट। नारायण घाट, नारायण प्रभु का नाम होता है, तो उसको कहा गया गुलजारीलाल नंदा के समाधि स्थल को नारायण घाट। आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही महापुरुष की, जैसे कि आपको हम बताते हैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी को इनके नाम के ही एक शब्द निकाल करके इनको बता दिया गया, इनका समाधि स्थल का नाम रख दिया गया। जैसे अटल है तो इनका नाम रख दिया गया सदैव अटल, मतलब हमेशा अटल रहेंगे, सदैव अटल। तो इनकी समाधि स्थल क्या रखा गया? सदैव अटल। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही महापुरुष की, जैसे ज्ञानी जेल सिंह है। क्या है? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? जेल सिंह को। तो ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहेंगे हम? आपको एक ट्रिक से बताते हैं, इनको कहेंगे एकता स्थल। क्या कहेंगे? एकता स्थल। ये ज़्यादा एकता दिखाते थे तो इन्हों एकता स्थल कहा गया। क्या कहा गया? एकता स्थल। आगे हम और दो चार महापुरुष की बात करेंगे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही महान पुरुष हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे हम बता देते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा गया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा गया विजय घाट। ये विजय प्राप्त कर लिए थे, ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो ये लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट कहा गया, इनकी समाधि स्थल को क्या कहा गया? विजय घाट। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। एक दो और महापुरुष हैं जिनका नाम बताने जा रहा हूँ, जैसे भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को क्या कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को कहा गया चैत्रभूमि। चैत्रभूमि, चैत्रभूमि इसलिए कहा गया क्योंकि इनका जन्म जो था 14 अप्रैल को हुआ, जो कि चैत्र के जस्ट बाद अगर आप हिंदी के माध्यम से काउंट करेंगे तो वो चैत्र ही कहा जाता है। इसलिए 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, तो इनका समाधि स्थल को चैत्रभूमि कहा गया। किसको समाधि स्थल को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल को चैत्रभूमि कहा गया। आगे हम बात कर लेंगे के आर नारायण की। के आर नारायण, के आर नारायण की समाधि स्थल को क्या कहा गया? तो के आर नारायण के समाधि स्थल को, देखिए इनके नाम में नारायण है और इनके गुलजारीलाल नंदा के समाधि स्थल के नाम में नारायण है, तो ये आप तुलना करके याद कर सकते हैं। देखिए गुलजारीलाल नंदा में के नाम में नारायण नहीं है तो इनमें नारायण घाट आया है, और इनके नाम में नारायण है के आर नारायण, तो इनके समाधि स्थल में नारायण नहीं आएगा, इनके आएगा समाधि स्थल में उदय भूमि। क्या आएगा? उदय भूमि। तो इनके समाधि स्थल को हम उदय भूमि कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपको याद हो चुका होगा। एक लास्ट आपको बता देता हूँ, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शंकर दयाल शर्मा। तो ये सारा आपको याद हो चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ किसी न किसी के नाम से आपको एकजुट करके बताया गया है। तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को क्या कहेंगे हम? आपको हम बताते हैं, तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को आप कहेंगे कर्म भूमि, क्योंकि इनको अपने कर्म पे विश्वास था। तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कर्म भूमि कहेंगे। तो चलिए एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। तो महात्मा गांधी राज किए थे तो इनको इनके समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, और नेहरू जी शांति का प्रस्ताव लेकर चलते थे, इनको शांति वन कहा गया। इंदिरा गांधी ने शक्ति दिखाई बांग्लादेश के युद्ध में, तो इनको शक्ति स्थल कहा गया। राजीव गांधी पायलट हाईजैक हुआ था, मतलब विमान दुर्घटना में मरे थे, तो इनको वीरभूमि कहा गया। चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए काम किए थे तो किसान घाट, और अभय मोरारजी देसाई डरते नहीं थे, बहुत बार बजट पेश किए, तो इनके समाधि स्थल को क्या कहा गया?
इनके समाधि स्थल को अभय घाट कहा गया। और जगजीवन राम ये समान जीवन जीते थे तो इनके समता स्थल कहा गया। ठीक, और गुलजारीलाल नंदा को नारायण घाट कहा गया। देखिए गुलजारीलाल नंदा के समाधि स्थल को नारायण घाट कहा गया। अब आके शंकर दयाल शर्मा, इनके आपको कर्म पर विश्वास था तो इनको कर्मभूमि कहा गया। और भीमराव अम्बेडकर की बात किया जाए तो इनके समाधि स्थल को चैत्रभूमि कहा गया क्योंकि इनके 14 अप्रैल को जन्म हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा गया क्योंकि ये विजय प्राप्त किए थे। ठीक, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहा गया जो कि 2018 में इनकी देहांत हो चुकी। तो ज्ञानी जेल सिंह की एकता स्थल कहा गया, ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल क्या कहा गया, एकता स्थल। और के आर नारायण की समाधि स्थल को उदय भूमि कहा गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको याद हो चुकी होगी और आप ऐसे ही ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।